Hello, my beloved students and honorable parents. Welcome back to our school in YouTube channel. I am your teacher, Sheikh Liaqat Hussain. प्यारे students, आज मैं आपको उर्दू की किताब पांचवी जमात के लिए में से लेसन दरख्तों ने कहा के सवालों के जवाब पेश कर रहा हूँ। लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दें। थैंक यू। तो फिर स्टार्ट करते हैं। दरख्तों ने कहा, नंबर एक, दर्जे ज़ैल सवालात के जवाब लिखिए। अलिफ, दरख्तों से हमें क्या फ़ायदे हासिल होते हैं? जवाब, दरख्त हमारी सेहत के लिए बहुत अहम हैं। ये गंदी हवा जज्ब करके हमें साफ हवा फराहम करते हैं। बारिश का दारोमदार भी दरख्तों की मौजूदगी पर है। फल फूल, किस्म किस्म के मेवे, इमारती और जलाने की लकड़ी, रबड़, गोंद, कागज़ और बेशुमार दवाएँ दरख्तों के फूलों, फलों, पत्तों, जड़ों और छालों ही से बनती हैं। सवाल बे, माहौल को बेहतर बनाने में दरख्त क्या काम करते हैं? जवाब, माहौल को बेहतर बनाने में दरख्त अहम किरदार अदा करते हैं। ये हमें खुशगवार मौसम और साफ हवा फराहम करते हैं, जिससे हम सेहतमंद रहते हैं। सवाल जीम, दरख्तों की हिफाजत के लिए हमें क्या करना चाहिए? जवाब, एक बूढ़े दरख्त ने कहा, राह चलते हमारी टहनियाँ ना तोड़ो, खेल ही खेल में हमारे नर्म नाजुक बच्चों को ज़मीन से ना उखाड़ो, हमारी हिफाजत और देखभाल करो और हमारी तादाद बढ़ाने की कोशिश करो। सवाल दाल, दरख्त परिंदों के लिए किस तरह मुफीद हैं? जवाब, दरख्तों पर परिंदे भी बसेरा करते हैं। वो इन दरख्तों पर अपने घोंसले बनाते हैं, इन घोंसलों में अंडे बच्चे देते हैं, उनकी परवरिश करते हैं। वो इन दरख्तों के पत्ते और नर्म कोपले खाते हैं। अगला सवाल है, दर्जे ज़ेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। खुशगवार, शफ़क़त, ताईद, फ़ायदा, हिफाजत। नंबर एक में हम इस्तेमाल कर रहे हैं खुशगवार। दरख्तों से हमें खुशगवार माहौल मिलता है। नंबर दो, माँ और बाप अपनी औलाद को मोहब्बत और शफ़क़त से पालते हैं। नंबर तीन, एक दरख्त ने दूसरे दरख्त की ताईद की। ये जितने भी अल्फाज जुमलों में इस्तेमाल हो रहे हैं वो इसमें रेड स्याही से हो रहे हैं। नंबर चार, दरख्तों की हिफाजत करने में हमारा ही फ़ायदा है। फ़ायदा इस्तेमाल हुआ इसमें जुमला। नंबर पाँच, हमें दरख्तों की हिफाजत करनी चाहिए। अगला है, फेल वो लफ्ज़ है जिससे किसी काम का करना या किसी चीज़ का होना जाहिर हो और उसमें ज़माना भी पाया जाए। मसलन, साजिद ख़त लिख रहा है, इसमें लिख रहा है फेल है, क्योंकि इसमें लिखने का काम भी पाया जाता है और ज़माना भी मौजूद है। नीचे दिए गए जुमलों से फेल अलग करके लिखें। नंबर अलिफ, महमूद ने तोता पकड़ा, इसमें पकड़ा फेल है। बे, वो सब्ज़ी बेचता है, इसमें बेचता है फेल है। नंबर जीम, हम कल मर्दान जाएंगे, इसमें जाएंगे फेल है। नंबर दाल, आज बारिश हो रही है, इसमें हो रही है फेल है। तो स्टूडेंट, आपकी ये एक्सरसाइज मुकम्मल हुई। तो ये
क्वेश्चन आंसर आपकी उर्दू की पांचवी जमात की किताब जो कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड नाम शुरू की है से पांचवा सबक दरख्तों ने कहा से लिया गया था। कंप्लीट एक्सरसाइज पेश कर दी गई है, आप अच्छी तरह से लिखें, याद करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अब मैं इजाज़त चाहूँगा, जल्द ही दूसरी वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। थैंक यू, योर टीचर शेख लियाकत हुसैन।